मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आयुक्त सभागार में कोविड 19 की समीक्षा के दौरान कहा कि रैपिड रिस्पांस टीम की रिपोर्ट के अनुसार जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहने योग्य नहीं है, उसके जीवन रक्षा तथा उसके परिवार हित में 24 घंटे के अंदर कोविड अस्पताल में उसे शिफ्ट कर दिया जाए। यदि मरीज नहीं चाहता है तो उसके स्वास्थ्य हित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, क्योंकि मरीज के जीवन की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सीएमओ को निर्देश दिए कि कोविड अस्पताल में बेहतर खाना एवं साफ सफाई सुनिश्चित करें। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, नोडल अधिकारी संजय कुमार खत्री, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी, अपर निदेशक स्वास्थ्य व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि रैपिड रिस्पांस टीम होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की नियमित निगरानी करे और रिपोर्ट दे कि मरीज होम आइसोलेशन में रहने योग्य है या नहीं। मंडलायुक्त ने पाली कैंपियरगंज में सैंपल टेस्टिंग कम पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सीएमओ को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक टेस्टिंग कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए अभियान के रूप में कार्य किया जाए, जिससे कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए और 24 घंटे के अंदर उनकी जाँच सुनिश्चित हो, ताकि सर संदेह जीरो न जाए, इसलिए उनको किसी बीच के डे में छुट्टी देते हैं। और सर क्या देखिए कॉपी रखी जी है, और जो लीव दी जाती है सर, लीव सर आरटीपीसीआर का 1300 हो गया है और 3500 ये एंटीजन का ऑलरेडी है। चलिए खाली कैंपियर बने, देखिए कैंपियर में आरटीपीसीआर 26 हुए, एंटीजन 37 हुए हैं, ये कम क्यों होना चाहिए? किसी दिन का मतलब 5 दिन हुआ है और 1 दिन आ, ये यहाँ पर आपके लिए तो मदद होगी, आपके लिए तो इशू डिस्कस किए जाए। कौन बता सकता है 63 हुए हैं कैंपियरगंज में और 90 हुए हैं पूरे दिन में पाली में, इसका क्या कारण?